Hello everyone, how are you all doing? Today we are going to start with the sixth chapter from your science book. The name of your chapter is Human Body. जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जिन जिनसे आप देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. आर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी परफॉर्म्स अ डिफरेंट फंक्शन. दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड ऑर्गन्स. लेट अस लुक एट सम पार्ट्स ऑफ आर बॉडी. ठीक है, तो जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गन्स बोलते हैं, जो हमारी किसी न किसी चीज़ में हेल्प करते हैं. जैसे हेयर, ये रहे हमारे हेयर. फिर उसके बाद ईयर्स, जिससे हम सुन पाते हैं. आईज, जिससे हम देखते हैं. माउथ, जिससे हम बात करते हैं. टीथ, जो हमें हमारी स्पीच में हेल्प करते हैं और ईटिंग में भी हेल्प करते हैं. हैंड्स, जो हमारे सारे काम होते हैं हम अपने हैंड से ही तो करते हैं. चेस्ट, आर्म्स, फिंगर्स, आपका स्टमक, राइट फुट, जो आपके फीट है. नेक्स्ट इज लेग एंड लास्ट इज टोज. तो ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं. ठीक है, नाउ देर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस. हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं, जो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में हेल्प करते हैं. जैसे आर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स, टू राइट, टू स्लीप. जो हमारे हैंड्स हैं वो हमें ईट करने में हेल्प करते हैं, लिखने में हेल्प करते हैं और सोने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, आर लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट. जैसे हम वॉक करते हैं तो उसके लिए हमें लेग्स चाहिए, साइकिलिंग करने के लिए लेग्स चाहिए, और प्ले करते हैं उसके लिए भी तो हमें लेग्स चाहिए होती हैं. अब देखते हैं सेंस ऑर्गन्स. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमारे आसपास की चीज़ें जो हम देखते हैं या फील करते हैं ना, वो सब सेंस ऑर्गन्स की वजह से है. दे आर स्किन, आईज, ईयर्स, टंग एंड नोज. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आईज, जो हमारा पहला सेंस ऑर्गन है. हमारी आंखों से हम देख पाते हैं, सो आर आईज हेल्प अस टू सी. नोज हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ. जो नोज है उससे हम स्मेल करते हैं. ईयर्स, वी हैव टू ईयर्स, आर ईयर्स हेल्प अस टू हियर. द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इज स्किन. स्किन तो हमारी पूरी बॉडी में फैली होती है ना. अब टंग, आर टंग हेल्प अस टू टेस्ट. टंग से हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर पाते हैं. एंड स्किन है हमारे पास नेक्स्ट. आर स्किन हेल्प्स अस टू फील थिंग्स. हमारी पूरी बॉडी पे हमारी स्किन है ना, पूरी स्किन है, तो इस स्किन से हम चीज़ों को फील कर पाते हैं. एंड नाउ वी हैव एक्टिविटी लाइक द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स. चलिए लिखते हैं. फर्स्ट इज ईयर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे EARS, ईयर्स. सेकेंड इज आईज. थर्ड इज टंग, TONGUE. नेक्स्ट इज नोज. एंड लास्ट इज यस हैंड्स. सो आप यहाँ लिख देंगे हैंड्स. ठीक है, तो हमारी एक्टिविटी हो गई है डन. आगे चलते हैं एक्सरसाइजेस पे. टेक द करेक्ट आंसर. देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 5. इसको करेंगे टिक. वी टेस्ट विद आर टंग. आर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड द थिंग्स. डैश हेल्प अस टू टच एंड फील स्किन. Our legs help us to skip and jump, cook or eat. Yes, skip and jump. चलिए आगे चलेंगे fill in the blanks पे. The nose helps us to smell. हमारी जो nose है उसे हम smell कर पाते हैं ना. We see with our eyes. We dash with our tongue. We taste with our tongue. नेक सपोर्ट्स आर हेड. जो हमारी नेक होती है ना, ये जो नेक होती है ये हमारे हेड को सपोर्ट करती है. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, HEAD, हेड. ठीक है, अब है ट्रू एंड फॉल्स. आर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट डिफरेंट आइटम्स, ट्रू. ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज अ स्पेशल नेम, यस ट्रू. आईज हेल्प्स अस टू हियर. क्या हम अपनी आईज से सुन पाते हैं, नहीं, आईज से तो हम देखते हैं, तो ये फॉल्स है. Nose helps us to smell, true. Ears helps us to taste, no, false. Ears हम को क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें सुनना होता है, for hearing. ठीक है, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, that is for your ears only.
चलिए सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई होप आपको ये समझ आया होगा अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में. अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.